नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हेल्प लॉगर डॉट कॉम यूट्यूब स्टडी चैनल पर, जहां पर हम आपको आपकी पढ़ाई से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो लेक्चर्स हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन हो, सारी चीज़ें यहां इस चैनल पर मौजूद हैं। और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी चीज़, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स क्लास 10th से बिलोंग करते थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए जाएँ हर एक चैप्टर्स के जो सिलेबस में है। तो हम एक नई सीरीज़ आपके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज पूरे पूरे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर से, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी है और आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमसे, तो आप एक व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया हुआ है, वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स पहले से ही ग्रुप्स में मौजूद हैं, स्टडी कर रहे हैं। अगर आप भी वहाँ पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमें ये जो स्क्रीन पर आपके नंबर है 9891291604, ये इस पर आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ताकि आप उस ग्रुप में ऐड हो सकें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ सकें, और ये जितनी भी वीडियोज़ जो आती हैं यूट्यूब पर, ताकि आप उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके आपके मोबाइल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर वन जो है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, देखिए अब हम लोग समझेंगे कहना क्या चाहता है। जो केमिकल नाम दिया गया है यहाँ पर, और रिएक्शंस और इक्वेशंस, यानी ये केमिकल जो है वो किससे संबंधित है। एक तो रिएक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर और इक्वेशंस बन रही हैं वहाँ पर, तो हमें समझना होगा ये होते क्या हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले कि अगर हम इसको आसान भाषा में समझें, तो हमारे डेली लाइफ में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि आपने चाय बनाई या पानी उबाला या ऐसी कोई भी सारी चीज़ें, कुछ भी हो सकती है, वो सारे जिसमें भी केमिकल का इस्तेमाल हो रहा हो, जिसमें दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हों, उनको हम कह देते हैं वहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शंस हुआ है। रिएक्शन वहाँ पर हुआ है, केमिकल रिएक्शन दो किसी एलिमेंट या दो से ज़्यादा किसी एलिमेंट्स के बीच में, तभी एक नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हुआ है। तो जो जितने भी एलिमेंट मिलकर आपस में जो इक्वेशन बनाते हैं वो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको उस इक्वेशंस को हम क्या बोल देते हैं, उस पर्टिकुलर रिएक्शन की इक्वेशन, यानी उस पर्टिकुलर रिएक्शन की इक्वेशन। यानी कि आपने अगर शुगर लिया सपोज़ कीजिए और उसमें आपने वाटर ऐड कर दिया, यानी ये दो अलग आपके क्या हो गए, ये दो आपके केमिकल्स मान के चलिए आप केमिकल्स हैं, और तीसरा जो आपने ऐड किया, तो ये कैसा, ये जो वाटर बनेगा ये स्वीट वाटर बन जाएगा। तो स्वीट वाटर बन जाएगा, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्रोडक्ट हुआ, एक नया प्रोडक्ट बन गया। किन से, दो एलिमेंट्स या दो केमिकल्स को मिलाने से एक नया जो है वो प्रोडक्ट बन गया। तो इस ये जो प्लस की इक्वेशन आ गई, इस पूरी इक्वेशन को क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर ये जो प्रोडक्ट तक पूरी इक्वेशन जो बनी है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन, यानी इस केमिकल रिएक्शन की पूरी इक्वेशन ये है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या है, और इसके एग्जांपल आपको पता ही हैं, जैसे कि ये आप देखते हैं मिल्क, आपके घर में जो दूध है वो कभी कभार जैसे कि फट जाता है, तो हम उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम उसका उसको दही बनाना चाहें तो उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। उसको अगर बाहर छोड़ देते हैं जो उस पर बैक्टीरियाज काम करते हैं, तो उस हिसाब से, तो वहाँ पर भी क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है वहाँ पर, तभी एक नया प्रोडक्ट जो कि है क्या बोलते हैं, जिसे कि कर्ड यानी दही बन चुका है नया प्रोडक्ट। तो वहाँ पर भी क्या हुआ है, वहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है और उसकी भी इक्वेशन बनी है, तभी वो कर्ड एक नया प्रोडक्ट बना है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि ग्रेप्स जो है, एल्कोहल जो बनाया जाता है, वो ग्रेप्स को सड़ाकर जो है बाहर बैक्टीरिया की प्रेजेंस में उससे बनाया जाता है अल्कोहल, जो कि हमारे ड्रग्स में यूज़ होता है, काफ़ी दवाइयों में यूज़ होता है, और उसके अलग भी प्रकार हैं। तो ये सारी चीज़ों में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है अब हमें पहचानना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन।
आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो लोग हिंदी मीडियम से यानी हिंदी माध्यम से है, जिनको अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी में सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ सके, तो ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करें, लेकिन उनके जो बिल्कुल ही जो हिंदी में शब्द हैं और उसके लिए, तो हमने ये देखा है कि उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। अगर उनको इस वीडियो से समझ में नहीं आ रहा है तो हम उनके लिए सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे सारे चैप्टर्स की, तो वहाँ पर आपको कोई दुविधा नहीं होगी, हिंदी माध्यम वाले वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, हम जल्दी ही उनको भी अपलोड करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हुआ तो उसको पता कैसे लगेगा, हम पहचानेंगे कैसे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये चार चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। चेंज इन स्टेट, अगर वहाँ पर किसी की स्टेट में, जैसे कि यह सपोज़ कीजिए सॉलिड था पहले कोई चीज़ और वो लिक्विड में बदल गई किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसकी स्टेट चेंज हो गई, यानी वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। चेंज इन कलर, कलर का तो आपको पता ही है, कोई चीज़ पहले किसी और रंग की थी, बाद में वो रेड हो गई या ब्लू हो गई, तो उसका कलर चेंज हो गया, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा या हुआ है। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर का अगर उतार या चढ़ाव हमें बता देता है कि वो वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि आप अगर पानी लीजिए और पानी को उबाल लीजिए तो उसका तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर क्या हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर का बढ़ा है, यानी यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी आपको पता है कहीं पर भी, जैसे कि वाटर का ही एग्जांपल हमने लिया, वाटर में निकलते साथ में भाप भी निकलती है वहाँ पर, तो जो इवोल्यूशन ऑफ गैस निकली वहाँ पर, अगर वहाँ कहीं पे रिएक्शन में गैस निकल रही है तो इसका मतलब भी है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इन चारों में से अगर कोई भी चीज़ होती है तो हमें पता लग जाता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन कैसे होता है, केमिकल जैसे कि मैंने बताया था, कहीं पे भी जैसे कि आपने शुगर लिया और शुगर में आपने वाटर ऐड किया, तो उसका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कैसा होगा, एक स्वीट सॉल्यूशन जो है बन जाएगा, यानी दो एलिमेंट्स को मिलाने से हमारा एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो इस वाली साइड को जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं। और ये हमारे दोनों क्या थे, ये रिएक्टेंट वन, यानी कि एलिमेंट वन इसको बोले तो ये रिएक्टेंट वन कहलाएगा और ये रिएक्टेंट टू कहलाएगा। तो यानी रिएक्टेंट वन और रिएक्टेंट टू मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। इस पूरी इक्वेशन को हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन, यानी ये एक पूरी क्या बनी है, केमिकल इक्वेशन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी मैथ की इक्वेशन होती है, तो मैथ की इक्वेशन आपकी कैसे बनती है, जैसे कि 2+3=5। तो यानी कि यहाँ पर ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट, और ये पूरी इक्वेशन हम क्या कह देते हैं, इसे इक्वेशन बन गई है। तो हम ऐसे ही इस चीज़ को देखते हैं। तो अब देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट पहले ही पता लग चुका है आपको, रिएक्टेंट कौन से हो गए, ये दोनों सारे रिएक्टेंट होंगे, और प्रोडक्ट कौन सा हो गया, जो फाइनल में प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब आ जाती है सबसे इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि है बैलेंसिंग। अब कितने ही बच्चों को यहाँ पर आती है कि यहाँ पर क्वेश्चंस भी आते हैं काफ़ी मार्क्स के, कि बैलेंस करना होता है हमें इक्वेशन को, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है और रिएक्शन क्या होते हैं, तो बैलेंस कैसे करेंगे इक्वेशन को। तो इक्वेशन जैसे कि हम पहले अभी बताया था कि शुगर और हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया था, तो हमने बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। चलिए अब देखते हैं और कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जो तो एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया मैग्नीशियम, यहाँ पर लिया है हमने मैग्नीशियम और उसको हमने रिएक्ट करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन, और हमें प्रोडक्ट क्या मिला है, मैग्नीशियम, हमें प्रोडक्ट मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी अब देखिए ये पूरी क्या हो गई, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई, ये
केमिकल इक्वेशन, ये एक क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है। और ये हमारे, जैसे कि हमें पता है इधर इस एरो से इधर वाले दोनों ये एलिमेंट क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। और जो एरो, ये वाली एरो के बाद जो प्रोडक्ट बना है हमारा, वो क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो ये हमने एक एग्जांपल लेके देखा कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसकी हम इक्वेशन लिख लेते हैं, वैसे जो जनरल फॉर्म जो होती है तो उसकी कैसे लिखेंगे, Mg प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, और फिर बन क्या जाता है प्रोडक्ट MgO, यानी कि ये अब बैलेंस भी कर दी है। तो यानी ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई जो सेम ऊपर वाली इक्वेशन है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया और ये हमारे दो रिएक्टेंट हो गए। तो चलिए अब बैलेंसिंग का जहाँ तक सवाल आता है, तो बैलेंसिंग के लिए हम आपको ईजिएस्ट वे बताएंगे, जिससे कि आप कभी भी एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आएंगे और चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे। इक्वेशंस बनाना और उनको बैलेंस करना कैसे होता है, तो चलिए एग्ज़ाम्पल हम दोबारा से ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए हमने मैग्नीशियम को लिया, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम के साथ हमने ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डाई फॉर्म में आता है, तो O2 लगाएंगे और MgO प्रोडक्ट बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर हमें जो चेक करना है चीज़ें, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंसिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बता देता हूँ, जिससे कि आपको बैलेंस करने में आपका तुरंत हो जाएगी बैलेंसिंग, उसमें आसानी रहेगी। तो पहले वो चीज़ सीख लेते हैं हम। देखिए ये जो सिंगल जो एलिमेंट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हमने लिया, इसको हम सिंगल क्या बोलेंगे, एलिमेंट होता है ये, ठीक है ना, इसको हम लेके चलेंगे एलिमेंट। और हमेशा एक होता है, ऐसे लिखा जाता है कि ऑक्सीजन ऐसे नीचे, तो जो नीचे की तरफ डाई एटॉमिक फॉर्म में है ऑक्सीजन एलिमेंट, एक होता है ऐसे और एक होता है इसके आगे लगाया जाता है। तो इन दोनों में फ़र्क समझिए, वो हम बैलेंस करेंगे जब भी हम फ़र्क समझेंगे उसमें, लेकिन ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, ये एक ही चीज़ नहीं है। ये जो नीचे लगा होता है और जो इसके साथ में लगा होता है, इन दोनों में बहुत अंतर है। जब ये साथ में अगर लग जाता है, ये साथ में अगर लग जाता है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि अब ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो कितने हो गए हैं, 2 × 2 = 4 टोटल, यानी 4 हो गए हैं ऑक्सीजन के एटम। तो ये चीज़ हमें छोटी सी पता लग हमें पता होनी चाहिए थी बैलेंस करने से पहले। तो चलिए अब हमने देख लिया है कि यहाँ पर एक सिंगल को हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं और जो इसके डायटोमिक फॉर्म है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम टोटल में। अब आते हैं बैलेंसिंग पे। तो बैलेंसिंग में देखिए आप, मैग्नीशियम जो है वो एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनाया है MgO वो एक क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया दो एलिमेंट्स का, या एक केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट किया है वो एक प्रोडक्ट हो गया। तो यानी कि ये एक प्रोडक्ट हो गया। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो देखिए बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, एक एक चीज़ को, एक एक एलिमेंट को हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम जो है इसके एलिमेंट कितने हैं, इसके आसपास कुछ भी नहीं है, तो हम इसे क्या काउंट करेंगे, 1। ऐसे ही इधर आते हैं, ऑक्सीजन के आसपास कितने एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो लेकिन यहाँ पर ये जो 2 लगा हुआ है, यानी ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट काउंट करेंगे हम, एटम्स 2। देन प्रोडक्ट में कितने हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, पूरा का पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और इसके पास एक फर्स्ट मैग्नीशियम के पास कितने हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम भी 1 है, और साथ में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ भी कुछ नहीं लगा हुआ, तो वो भी हम 1 कंसीडर ही करते हैं जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता। तो देखिए अब यहाँ पर हमने देखा था मैग्नीशियम जो है वो 1 है, यहाँ पर प्रोडक्ट में मैग्नीशियम क्या है वो भी 1 है, यानी ये दोनों तो बराबर हैं, यानी जो मैग्नीशियम इधर का है और ये जो मैग्नीशियम इधर का है, ये तो पहले से ही बराबर हो गए, तो चलो इसकी तो हमें अभी टेंशन नहीं लेनी है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है, 1, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, हमें यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि इस एरो से इधर वाला जो एरिया है
उसको इधर वाले एरिया से पूरा बराबर करना होगा। तो देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 है, हमें जब भी अब यहाँ पर ऐड, तो जिसके पास भी, पहले चीज़ ध्यान रखिए, जिसके पास भी कम हो चीज़ें उसके पास हम हमेशा ज़्यादा देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि सपोज़ कीजिए किसी के पास 2 टॉफ़ी है और आपके पास 4 टॉफ़ियाँ हैं, तो अगर किसी आपको बैलेंस करना पड़ेगा तो आपको उसको 2 टॉफ़ीज़ ज़्यादा देनी पड़ेंगी आपके बराबर आने के लिए। तो जिसके पास कम होती है चीज़ उसको ही चीज़ दी जाती है। तो यहाँ वाले ऑक्सीजन के पास जो कि 1 है, यहाँ पर हमें 2 बनाने पड़ेंगे ताकि ये बराबर हो जाए इससे 2 से। तो 2 हम कभी भी ऐसे नीचे नहीं लगाते, ये गलत है, हम ऐसे कभी भी नहीं लगाएंगे, हम हमेशा इसके साथ में लगाते हैं, यानी सबके साथ में। तो देखिए अब यहाँ पर इक्वेशन पूरी तरीके से चेंज हो गई है। अब हम दोबारा काउंट करते हैं, मैग्नीशियम के साथ, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ अब कितने हो गए, 2, यानी मैग्नीशियम भी अब क्या बन गया, 2, और ऑक्सीजन क्या बन गया, 2, यानी ऑक्सीजन का तो अब ठीक हो गया जो भी इक्वेशन था, क्यों, ऑक्सीजन जो थी वो पहले 1 था, अब 2 लगने के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। और इस साइड हम देखते हैं, हम दोबारा आ जाते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ही थे, तो 2 इज इक्वल टू इस साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे कितने हो गए, 2। तो ये वाली चीज़ तो बैलेंस हो गई, हमें अब ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि 2 लगाने पे मैग्नीशियम जो है वो कितना हो गया था, 2 हो गया था, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, अब कम किसके पास है, किसको देना पड़ेगा, कम इसके पास है, यानी कम वाले को ही देते हैं, तो इसके आगे भी हम 2 लगा दें अगर, तो ये कुछ नहीं था, इसके पास कुछ नहीं था, तो 2 लगाया हमने, तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम कितने दिखा रहा है, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम यहाँ पर दिखा रहा है और 2 मैग्नीशियम यहाँ पर दिखा रहा है, यानी ये भी बराबर हो गए। अब दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार, मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, 2, यानी ये बराबर है। ऑक्सीजन पे आते हैं, अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, ये भी कितने हैं, 2, तो यानी ये अब पूरी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो इस हिसाब से हमें करना है सारी चीज़ें। चलिए अब एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एक केमिकल जो है रिएक्शन हम लिख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन जो है लिख लेते हैं हम Fe, और ये साथ में ऐड किया हुआ है इसके पानी, और पानी के साथ जब इसे मिलाया तो ये देता है फेरस ऑक्साइड, यानी Fe3O4 फेरस ऑक्साइड हमें मिला है, प्लस इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी निकली है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जब हम पढ़ा रहे थे तो एक, जब हमने कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे करना होगा, तो वहाँ पर देखिए गैस भी निकली है यहाँ पर, तो एक आइडेंटिफिकेशन हमें पता लगी कि हाइड्रोजन गैस भी निकली है, तो इससे पता लगता है यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन जो है वो हुआ है। चलिए अब इसे बैलेंस करते हैं उसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हम इंडिविजुअल जो है अकेले अकेले एलिमेंट ले लेते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आयरन को लेते हैं, आयरन के यहाँ आसपास कुछ नहीं है तो इसके, इसको हम 1 ही कंसिडर करेंगे। अब ले लेते हैं H, H यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पर 2 हैं H, तो H कितने हैं यहाँ पर, 2। और ऑक्सीजन जब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो कितने हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के आसपास कुछ नहीं है तो उसको भी काउंट करेंगे 1। अब देख लेते हैं एरो के इधर वाले पार्ट में जो कि प्रोडक्ट साइड है, यानी राइट हैंड साइड है हमारी, तो वहाँ पर आयरन देखते हैं, आयरन यहाँ पर दिख रहा है आपको 3 दिख रहे हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 4। और ऐसे ही H2 गैस जो निकली हुई है, तो हाइड्रोजन गैस कितनी निकली हुई है यहाँ पर, 2 एटम्स के साथ है। अब देखिए यहाँ पर ये सारी अनइवन चीज़ें हैं, हमें इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आयरन ले लेते हैं, आयरन यहाँ पर कितना है, 3, और यहाँ पर है 1। हमें बैलेंस करने के लिए किसे देना पड़ता है, जो कम होता है, तो कम को कितना देना पड़ेगा, इसको अगर हम 3 दे दें तो अब यहाँ पर कितना बन गया, यहाँ पर बन गया आयरन 3। और देखिए जब हम ऐड करते हैं तो कभी भी नीचे ऐड नहीं करते, हमेशा इसके साथ में ऐड करते हैं, तो इसको हम दे दिया, अब यहाँ पर कितना बना है, 3। और इस साइड पर हम देखते हैं अब ये बना है, ये पहले से ही 3 था, तो यानी कि आयरन जो है वो बराबर हो गया है राइट हैंड साइड के, यानी ये तो बैलेंस हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो H जो है सॉरी H जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2, और इस साइड में H जो है वो यहाँ पर 2 है, तो बैलेंस तो ये पहले से ही है,
तो H तो ये बैलेंस पहले से ही है, तो हमें इसको नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। तो जब 2 इज इक्वल टू 2 हो गया तो यानी एच भी हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ऑक्सीजन जो है वो 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 4 ऑक्सीजन है। तो यानी किसको देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। कितने देने पड़ेंगे, 4 कम है यानी इसको 4 हम दे देते हैं, इसको अब बना देंगे 4। तो जब 4 बनाया, अब ये ऑक्सीजन क्या है, इससे ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 4 यहाँ पर हो गए, ऑक्सीजन को हम दे देंगे। तो ये ऐसे ही है जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर हम सपोज किसी के नीचे नहीं लिखा है तो इसको हम क्या मान के चलते हैं, 1। तो जब हमने इस पे ऐड किया 4 यहाँ पर, तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जितने एटम आते हैं अब उसको टोटल गिना जाता है। तो 4 × 1, 4 × 1 = 4, यानी टोटल एटम कितने हो गए ऑक्सीजन के, 4 हो गए। तो चलिए अब देख लेते हैं ऐसे ही, तो ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हो गए अब, 4। और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के पहले से ही 4 थे। तो देख लीजिए ये भी बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा एक छोटा सा, जब हमने इसको ऐड किया यहाँ पर 4, तो ये हाइड्रोजन के साथ भी लग गया, जो कि 2 = 2 पहले ही हो चुके थे, लेकिन अब यहाँ पर 4 और ऐड हो गया है। और जब ये ऐसे बनाया जाता है कि इस पर 4 ऐड और हो गया है, तो फिर से वही रूल अप्लाई होगा, 4 × 2 = 8, यानी H के कितने एटम हो चुके हैं इस साइड पे, 8, और यहाँ पर H के कितने हैं, अभी भी 2। तो यानी जो कम वाला है यानी कि 2 है, उसको हमें कितना बनाना पड़ेगा, टोटल कितने बनाने पड़ेंगे, 8, तभी ये वाली साइड जो है इसके बराबर होगी। तो इसको बनाने के लिए सिंपली क्या करें, इसमें भी ऐड कर देते हैं 4। तो जब हमने H को 4 दिया यहाँ पर, तो ये भी वही रूल हो गया कि 4H2, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दो, अब कितना हो गया, 8। तो यानी H के कितने हो गए इधर, 4, 8 हो गए, और यहाँ पर भी कितने थे H के, तो H = 8, यानी H = 8 = राइट हैंड साइड पे भी H = 8, यानी ये भी अब बैलेंस हो गए, यानी ये पूरी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये बैलेंस हुई है, आयरन के यहाँ पे कितने थे, 3, यहाँ पर कितने हैं, 3, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हो गए थे, 8, और यहाँ पर भी कितने हो गए हैं, 4 ऐड करने के बाद कितने हो गए थे, 8, यानी ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन अब देख लेते हैं, ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गई थी क्योंकि ये हमने ऐड किया था, तो 4 हो गई थी, 4, और यहाँ पर भी पहले से ही 4 थी, तो ये भी बैलेंस हो गई। यानी ये पूरी इक्वेशन क्या हो चुकी है, अब बैलेंस हो चुकी है। तो ऐसे ही हमें करना है, यही रूल अप्लाई करके सबसे आसान ट्रिक आपको बताई है, अब आप कोई भी इक्वेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आपने केमिकल रिएक्शन, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही, कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी, जैसे शुगर वाला हमने वाटर वाला लिया था वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, दही का जमना वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि आपको यहाँ पर साफ दिख रहा होगा कि कम्बाइन का मतलब होता है जुड़ना, तो कंबाइन यानी जो रिएक्शन जो जुड़ के बने हों। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, इन अ रिएक्शन वेयर सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यानी बना है सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बने फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि हमने मैग्नीशियम वाला लिया था, वहाँ पर सिंगल एलिमेंट लिया था ये भी, और ये भी सिंगल लिया था हमने, एक ऑक्सीजन एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन के साथ कोई HOH नहीं था, सिंगल था। तो सिंगल क्या बनाए, कंबाइन होके ये दोनों जुड़ के क्या बना दें, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना दें, जो कि सिंगल प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgO, है ना। तो जो हमने ये इसको बैलेंस भी कर देते हैं, देखिए बैलेंस है ये, तो एक सिंगल क्या बना दिया, एक सिंगल मिक्सचर बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि वो कैसा हो गया, दो कंबाइन होके रिएक्शन बना है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये इसका एग्जांपल था, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल भी अगर आप लिखना चाहें तो आप ये वाला लिख सकते हैं कि कार्बन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया उसे, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सिंपल। तो ये भी एक क्या हो गया, दो जो रिएक्टेंट थे आपके वो क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना दिया उन्होंने, सिंगल प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन गया। चलिए अब
नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन से होते हैं? डीकम्पोज यानी कि ये उसमें था कम्बिनेशन, यानी इसमें दिखा रहा है डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब एक तरह से टूटना भी होता है, यानी ब्रेक हो जाना, यानी टूटना, तो इससे याद रखना। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, इन अ रिएक्शन वेयर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू कितने प्रोडक्ट, टू और मोर प्रोडक्ट, यानी एक ही रिएक्टेंट होगा, इधर एक रिएक्टेंट होगा और वो किस में ब्रेक हो जाएगा, प्रोडक्ट वन प्लस प्रोडक्ट टू, ऐसा रिएक्शन जो होगा, जो टूट के बने, वो कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, ये एक रिएक्टेंट होके कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो प्रोडक्ट बना रहे, यानी टूट गए, तो यानी उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोज हो गए, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि एक आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जो कि वही फेरस सल्फेट का है। फेरस सल्फेट हमने लिया, यहाँ पर उसको हीट कर दिया। एक और चीज़ पढ़ने से, छोटी छोटी बातें जो हैं ये हम इग्नोर नहीं करेंगे, इनको समझेंगे कि ये जो बीच में चीज़ आती है कि रिएक्शन के ऊपर ऐसे हीट क्यों लिखा होता है, ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ हीट की जगह होता तो उसको बोलते कि वो वहाँ पर कैटलिस्ट डाला हुआ है, यानी एक और चीज़ डाल दी है जो रिएक्शन को तेज कर सके या रिएक्शन का टेम्परेचर बदल सके या रिएक्शन में मदद कर सके, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि रिएक्शन के अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की गई है और यहाँ पर हमने क्या करा है, उसको हीट कर दिया है, तो यानी ये भी एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है यहाँ पे। तो इस पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसको बस एक इंटरमीडिएट लेकर पढ़ना है। और अब रिएक्शन क्या दे देगा ये, Fe2O3 सॉलिड फॉर्म है, इसका मतलब होता है सॉलिड फॉर्म यहाँ पर जो दिया गया है, कन्फ्यूज़ होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिला हमें और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिल गया हमें, यानी अब देखिए ये एक रिएक्टेंट था हमारा, है ना, और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट कितने बन गए, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट बन गए, एक से कितने बन गए, तीन, यानी एक से टूट के कितने बन गए, तीन। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। आगे देख लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेस होना, यानी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाना। आप किसी को भी बोलते हैं कि अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अ रिएक्शन वेयर वन रिएक्टेंट रिप्लेस, एक रिएक्टेंट किसको रिप्लेस कर दे और रिमूव हो जाए वहाँ से अनदर रिएक्टेंट के साथ, तो एक नया प्रोडक्ट बना ले, तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इसको आगे भी हम देख सकते हैं इसमें। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये सिंपल आपकी लैंग्वेज है उसकी, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिया हमने आयरन और आयरन के साथ हमने लिया कॉपर सल्फेट, जब हमने कॉपर सल्फेट के साथ इसे मिलाया तो फेरस सल्फेट बन गया और साथ में प्रोडक्ट बना कॉपर। तो देखिए अब यहाँ पे कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, आयरन ने ले लिया सल्फेट को प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर क्या हुआ, आयरन ने किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को, और कॉपर अपना अलग हो गया, यानी कि क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, यानी बदल गए। तो यही हमें यहाँ पर देखना है कि डिस्प्लेसमेंट हुई है या नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको साफ दिख रही है, आयरन से यहाँ पर क्या आ गया, कॉपर आ गया, तो ये डिस्प्लेस हो गया, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं, देखिए, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि ये एलिमेंट है कार्बन लिया हमने, और वो क्या कर ले, गेन कर ले, यानी अपने पास ले ले, क्या ले ले, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लिया एक रिएक्शन में, तो ये एक इक्वेशन बन चुकी है, तो प्रोडक्ट में क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो एक नया प्रोडक्ट बन गया तो उसको क्या बोलेंगे, ये पूरा रिएक्शन जो बना यहाँ तक, इक्वेशन जो बनी, और इस रिएक्शन का क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यानी सिंपल सा, जिसके पास भी ऑक्सीजन चली जाए, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए, यानी अपने पास ऑक्सीजन को ले ले, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
अब वहीं पे उल्टा हो जाएगा, इफ़ अ सब्सटेंस रिड्यूसेस ऑक्सीजन, जो अपने में से रिड्यूस कर दे ऑक्सीजन, तो उसका एग्जांपल क्या होगा, जो भी सब्सटेंस है जैसे कि रिड्यूस कर दे ऑक्सीजन, किसी के पास ऑक्सीजन पहले से ही हो, जैसे कि CuO प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं उसे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया हीट की प्रेजेंस में, हीट कर दिया यानी, तो क्या बन गया, कॉपर बन गया और साथ में जो हो गया वाटर बन गया। तो यानी अब आप देख रहे होंगे इसके पास पहले से ही ऑक्सीजन थी, लेकिन उसने क्या कर दी, रिड्यूस कर दी यानी कि कम कर दी यानी ख़त्म कर दी, तो यहाँ पर अकेला हो गया वो और ऑक्सीजन उसने भगा दी रिएक्शन में। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन, वहाँ पर रिडक्शन हुई है ऑक्सीजन की, यहाँ पर क्या हो गया, गेन हुई है ऑक्सीजन की, है ना, इसने ऐड कर लिया यानी गेन कर लिया ऑक्सीजन को। तो ये थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जांपल। अगला देख लेते हैं, अगला है कोरोजन। कोरोजन क्या बोलते हैं, जब कोई भी कोरोड हो जाता है यानी मेटल्स में होता है ये ज़्यादातर, आपने देखा होगा कि बाहर आप आयरन लोहे की रोड रख देते हैं तो उस पर रस्ट जम जाती है, जंग लग जाता है, तो वो कैसे होता है, यानी कि आयरन आपने बाहर रखा, आयरन यही है Fe, आयरन होता है, आयरन की रोड बनी होती है जिससे, उसको हमने कहाँ रख दिया, ऑक्सीजन में रख दिया, तो वो क्या हो गया, वो कैसा हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख, ये एक ऑक्सीडेशन काइंड ऑफ रिएक्शन भी हम इसे मान सकते हैं। तो ये रस्ट जो जमी वो कैसे जमी, जब हमने इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दिया जहाँ पर ऑक्सीजन थी, और ऑक्सीजन के साथ वहाँ पर क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियाज भी होते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, मॉइस्चर भी होता है, नमी भी होती है, तो मॉइस्चर भी होता है, तो वो सारी चीज़ें भी इस रिएक्शन में ऐड हो गई, और रिएक्शन में ऐड होने के बाद जो आयरन की रॉड थी वो कैसी बन गई, अब रस्टफुल, रस्ट के साथ बन गई, रस्टफुल आयरन रॉड, तो यानी कि वो रस्ट वहाँ पर हो गया। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोरोजन। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, मेटल्स वेन लेफ्ट इन एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में छोड़ दिया जब मेटल को, यानी कि आयरन की रोड को अगर सपोज छोड़ दिया, वेयर मॉइस्चर एसिड अटैक्ड दैट सब्सटेंस, तो जो मॉइस्चर और एसिड वहाँ पर उस सब्सटेंस पर जब एक्ट किया, तो वो क्या क्या हो गया, इन्हें मेरा दैट चेंजेस इट्स फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि उसका जो फिजिकल दिखने का वो जैसा दिखती थी रॉड पहले, उसका अपीयरेंस ही चेंज कर दिया, तो उसी को क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे, यानी कि जो आयरन हुआ उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, सॉरी ऐड किया यहाँ पे, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो उसने क्या कर दिया, रस्ट वाली आयरन रॉड दे दी, और वो दिखने में कैसी हो गई, जो पहले चमकदार होती थी अब वो कैसी हो गई, ब्राउन कलर की हो गई, यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चेंज कर दी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी एक अलग चीज़ है। रैंसिडिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ फैट ऑयल्ड मटेरियल। अब जो हमने कोरोजन में पढ़ा, कोरोजन में मेटल की बात करी, अगर हम यहाँ पर खाने की बात कर लें यानी फूड की बात कर लें, और फूड को भी हम कहाँ पे एटमॉस्फेयर में अगर हम उसको ओपन कर देंगे, तो वहाँ पर भी क्या लग जाएंगे, बैक्टीरियाज लग जाएंगे, और वो फूड कैसा हो जाएगा, वो फूड भी हो जाएगा बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यानी उस पर भी जो बैक्टीरियाज हैं वो एक्ट हो जाएंगे, और उसकी भी फिजिकल अपीयरेंस कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। यानी फैट और ऑयल्ड मटेरियल इज लेफ्ट कहाँ पर छोड़ दिया जाए, ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे बिकम रैंसिड आफ्टर ऑक्सीडाइज, यानी वही है एटमॉस्फेयर में छोड़ने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन प्लस उसमें क्या हो गया, मॉइस्चर भी ऐड हो गया, यानी कि मॉइस्चर हो गया और एसिड हो गए, तो काफ़ी टाइप के एलिमेंट्स उस पर एक्ट करते हैं, तो उसका एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट क्या हो गया, वो चेंज हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा क्योंकि वो जो फूड है वो सड़ने लगेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं कि रैंसिडिटी है, ये रैंसिडिटी प्रोसेस हुआ है। टू अवॉइड दैट, अब एक चीज़ हमें यहाँ पर देखनी होगी कि अगर हमें रेंसिडिटी को बचाना है तो हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल दें अगर उसमें जहाँ पर ऑक्सीडाइज ना हो सके, यानी O2 ना लग सके फूड पे, तो वो क्या करते हैं, वो खाने को बचा लेंगे फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे कि नाइट्रोजन इन चिप्स पैकेट, उसमें इतनी सारी जो हवा भरी होती है वो किस चीज़ की होती है, नाइट्रोजन की होती है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है वो क्या है, एंटी
ऑक्सीडेंट है, एक एंटीऑक्सीडेंट है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड होने से उसको ऐड नहीं होने देता और बचाता है, और आपके खाने को जो है, जो वहाँ पर फूड नीचे होता है, फूड होता है मतलब वो नाइट्रोजन के साथ ही होता है, जो फूड होता है वो सेफ रहता है। तो यही है, रेंसिडिटी से बचा लेता है आपको एंटी ऑक्सीडेंट। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, उनके भी सॉल्यूशंस हम देते रहेंगे। आपको कोई भी इसमें डाउट आया है या परेशानी आई है, प्रॉब्लम आपको कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। और इसी, ये जो पूरा आपने पढ़ा है डेफिनेशन के साथ, ये जो PDF अगर आप चाहते हैं PDF की फॉर्म में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। और बाकी आप अगर और भी चीज़ें चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो वो आप ये जो वेबसाइट है examhelplogger.com, ये जो वेबसाइट है examhelplogger.com, इस पर भी जाकर आप नोट्स वगैरह वहाँ पर देख सकते हैं। और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास आगे भी नोटिफिकेशन आती रहे, जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर अपडेट करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपडेट करेंगे, तो आपके पास जो नेक्स्ट अपडेट आ जाए वो जल्दी आ जाए। और आप इसे शेयर करना ना भूलें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि आपके जो सहपाठी जो हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, और वो भी पढ़ सकें आपके साथ, उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। तो ये आप सर्कुलेट कर सकते हैं उसे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो था चैप्टर 1 आपका, नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप नए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।